गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ ईवीएस. ओके, हमने कौन सा चैप्टर करना है? माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन का क्या मतलब था? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या मूव होना. और हिंदी में इसका मतलब है प्रवास. ठीक है, आपको ये दिख रहा है थर्मल प्लांट. थर्मल प्लांट क्या करता है? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ओके, देखो अभी इसमें हम एक सोनू है, एक लड़का, उसके थ्रू आप स्टोरी पढ़ेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेंट क्या होता है, क्यों लोग माइग्रेशन करते हैं, है ना. सोनू फादर वाज एन इंजीनियर, ही इज इन थर्मल प्लांट. कहते हैं जो सोनू फादर है, सोनू के पापा हैं, सोनू के, वो इंजीनियर है एक थर्मल प्लांट में. ही वॉज ट्रांसफर टू अ डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट. कहते एक नया थर्मल प्लांट बना, उनकी ट्रांसफर ना वहाँ हो गया, वो थोड़ा सिटी से दूर है. द होल फैमिली हैड टू शिफ्ट देयर बिकॉज द न्यू थर्मल प्लांट वॉज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी. कहते पूरी फैमिली ही वहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि जो नया थर्मल प्लांट है वो सिटी से थोड़ा दूर है, तो डेली आना जाना मुश्किल है, फैमिली को अकेले रहना मुश्किल है ना. न्यू कॉलोनीज वर बींग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर्स ऑफ थर्मल प्लांट. कहते थर्मल प्लांट के वर्कर्स के लिए नई कॉलोनी बनी है, कॉलोनी बनाई है नई. सोनू वॉज एडमिट इन अ न्यू स्कूल नियर द थर्मल प्लांट बट ही वॉज नॉट इन्जॉइंग देयर. कहते सोनू को वहाँ के ही नए स्कूल में एडमिट कर दिया, लेकिन उसको वहाँ पे ना उसका मन नहीं लग रहा, उसको मज़ा नहीं आ रहा वहाँ पे, है ना. ही मिस्ड हिज सिटी फ्रेंड. वो अपने जो शहर है उसके फ्रेंड्स के को मिस कर रहा है. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही कंप्लेंट हिज पेरेंट्स दैट ही हैड नो फ्रेंड्स. कहते स्कूल से आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट कर रहा है कि उसके वहाँ पे कोई फ्रेंड ही नहीं है. तो हिज मदर कम्फर्ट हीम सेइंग दैट आफ्टर सम डेज ऑल द बॉयज विल बी हिज फ्रेंड एंड ही विल इंजॉइंग देयर कंपनी. तो उसकी मम्मा उसको कहती है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. उसकी मम्मा उसको समझाती है कि कुछ दिनों के बाद वहाँ के सारे फ्रेंड्स, आप सारे बॉयज़ आपके फ्रेंड्स होंगे और आपको उनकी कंपनी में, उनके साथ रहने में मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे. हिज मदर्स वर ट्रू. आफ्टर सम डेज ही हैड मैनी फ्रेंड. ही कम टू नो अबाउट मैनी न्यू थिंग्स टू दैट एरिया विच वर अर्लियर नॉट नोन टू हिम. कहते हैं उसकी मम्मा के वर्ड्स ट्रू हुए, ऐसा ही हुआ जैसे उसकी मम्मा ने कहा था. कुछ दिनों के बाद सारे बॉयज उसके वहाँ के फ्रेंड बन गए और वो काफ़ी न्यू चीज थिंग्स उसको पता लगी उसके बारे में, आसपास अपने बारे में, जो उसको पहले नहीं पता थी. आफ्टर फ्यू डेज सोनू गॉट फैमिलियर विद मैनी पीपल अराउंड एंड रियलाइज दैट पीपल वर्किंग एट द थर्मल प्लांट वर्क फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. कहते कुछ दिनों बाद सोनू जो वहाँ के पीपल से उनके साथ फैमिलियर हो गए, उनके साथ बोलचाल शुरू हो गई उनकी, तो उसको वहाँ से पता लगा कि वो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं. देवर माइग्रेंट. वो सभी क्या है? माइग्रेंट. माइग्रेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पीपल आते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट पीपल्स. दे लिव इन स्मॉल रूम्स एंड फेस मैनी प्रॉब्लम इन रेनी सीजन. कहते हैं वो छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रेनी सीजन में तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. देयर चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. कहते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज. दे कुड नॉट स्टडी एंड रोम अराउंड इटली. हाउ विल दे स्टडी? सोनू आस्क हिज फादर. हिज फादर टोल्ड दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ दीज चिल्ड्रन. कहते उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत फ़र्क है. उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है ना, अपनी लैंग्वेज कुछ और है, यहाँ के स्कूल्स की लैंग्वेज कुछ और है. तो सोनू अपने पापा से पूछते हैं कि तुम वो कैसे पढ़ेंगे? तो उसके पापा बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि इनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हो, स्पेशल टीचर आए, स्पेशल स्कूल हो इनकी स्टडी के लिए. द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टीचर हु विल टीच दैम एट देयर रेजिडेंस. कहते हैं वहाँ मतलब न्यू टीचर भी अपॉइंट किए जाएंगे कि जो उनके बच्चे हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के तरीके से पढ़ाया जाए. सोनू डिड दे आर लिव इन सिमिलर कंडीशन. सोनू के पापा कहते हैं क्या वो सिमिलर हमेशा से ऐसे ही कंडीशन में रहते हैं? फादर नो. दे हैव होम एंड एग्रीकल्चर लैंड इन देयर नेटिव स्टेट बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन दे हैव टू वर्क एट फोर प्लेसेज. उसके पापा कहते हैं नहीं, उनके पीछे जहाँ से वो पहले आते हैं उनके नेटिव रहते हैं, जो मातृभूमि होते हैं, कहते हैं वहाँ उनकी बहुत उनके फील्ड खेत होते हैं, उनके खुद के घर होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, वहाँ पे पैसे कम मिलते हैं, इस करके वो दूर दूर अपने नेटिव प्लेसेस को छोड़ के दूर आ जाते हैं काम करने के लिए.
सोनू, बट दे मे हैव बीन फीलिंग अनकम्फर्टेबल हेयर एट न्यू प्लेसेज, दे आर लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर नेटिव स्टेट, सो दे माइट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कहते सोनू क्या कह रहा है, पर उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पे कम्फर्टेबल भी नहीं होते, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, है ना, इतनी दूर रहते हैं अपने घर से. फादर येस ऑफकोर्स, कहते हाँ ये तो है ही है. दे हैव टू कम अवे फ्रॉम देयर हाउसेज, सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर आर लेफ्ट बैक टू होम दे सेंड मनी टू सर्वाइव, देयर चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी हेयर, दे अर्न मोर देन देयर नेटिव प्लेस. कहते हाँ ऐसा ही है, पर उनको बहुत प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि उनके कुछ लोग तो पीछे ही रह जाते हैं, कुछ आ जाते हैं उनके साथ, तो फिर जो रह जाते हैं उनके पीछे विलेजेस में, गाँव में, है ना, उनके जो घर हैं वहाँ पर, तो उनको कहते हैं वहाँ पर उनको मनी पैसे सेंड करने पड़ते हैं कि वो वहाँ सर्वाइव कर सकें, इसलिए उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि इतनी महंगाई है, वो खुद भी रहते हैं यहाँ पे, अब पैसे भी उनको भेजने होते हैं पीछे, तो इसलिए उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते वहाँ पे, उनकी इनकम कम है. यहाँ पे आके क्या होता है कि उनकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है. देखो ये दिख रहा है ना, ऐसे ही लोग रहते हैं रोड पे, है ना, रोड के साथ अपनी हट्स बना के, स्लम्स, झुंडी झोपड़ियाँ बोलते हैं जिनको, है ना, ऐसे रहते हैं. आगे क्या है सोनू, पापा वाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अपरूटेड इन अवर सिटी, दे आर वर्किंग इन नियर बाय लोकेटेड. कहते जो ये लोग हैं वो अपनी जो झोपड़ी बना के वहीं क्यों रहते हैं जहाँ पे वो वर्क करते हैं, है ना. फादर, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक द रोड वर टू बी वाइडन, ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड द गवर्नमेंट हैड टू अपरूटेड देम एज देयर हट्स वर नॉट द साइड ऑफ द रोड, दे लॉस देयर हॉर्सेज ऑफ इनकम एंड हैड टू सर्च फॉर वर्क. कहते हैं जैसे मोस्टली लोग ये क्या करते हैं, सड़कों पे रोड वगैरह बनाने के लिए काम करते हैं, इसलिए वहीं पे अपनी हट्स बना लेते हैं. जैसे फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो चौड़ी सड़क वाइड करती है, चौड़ी करती है, तो उनको वर्क मिल जाता है वहाँ पे. फिर जब सड़क चौड़ी होगी वहाँ पे स्लम्स हटा के वो नए काम के लिए, वहाँ काम ख़त्म हो गया फिर नए काम के लिए वो नई जगह पे वर्क सर्च करने जाते हैं, इसलिए वो अपनी हट्स वहीं पर जाके बना लेते हैं, वो पक्के घर नहीं बनाते. क्लियर? अब देखो हमने क्या करना है, इसकी फिलअप्स करते हैं. ओके, इसकी फिलअप्स हम करते हैं. अब देखो, अ पीपल अ डैश वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर अवे फ्रॉम द सिटी. कहते सिटी से थोड़ा सा दूर क्या बना था, हमने ट्रैक्टर में पढ़ा क्या है, थर्मल प्लांट. क्या है, थर्मल प्लांट. ओके, पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट फॉर वर्क आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ये दूसरे का सिक्किम का हो गया ये माइग्रेंट. माइग्रेंट, मैनी पीपल हैव टू गो फॉर अवे फॉर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं दूर. पीपल लिविंग इन हट्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. ओके, ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, इसकी टिक दी को. ठीक है, सोनू फादर वाज अ इंजीनियर, बट वाज टू बी डैमेज फॉर वाइडन द रोड्स. जब रोड वाइडन करते हैं तो क्या होता है, हट्स उनके डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना. हाउ डू वी फील लिविंग इन द स्मॉल रूम्स, डिफिकल्ट, इजी, डिफिकल्ट. वट वाज बिल्ट फॉर पीपल वर्किंग इन थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट में जो वर्क करते थे उनको, उनके लिए क्या बनी थी, उनके लिए बनी थी कॉलोनीज. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर. इसके क्वेश्चन हैड सोनू फादर टू कम टू द न्यू प्लेस. कहते सोनू के फादर न्यू प्लेस पे क्यों आए थे, बिकॉज सोनू फादर वाज सोनू फादर वाज ट्रांसफर टू न्यूली कंस्ट्रक्ट थर्मल प्लांट.
newly constructed thermal plant. Who was called migrant? Who was called migrants? Migrants किसको बोलते हैं? Those people who have moved from one state to other state. Okay. Why the people have to migrate? People migrate होते क्यों हैं? People have to migrate people have to migrate for their livelihood. Sometimes they got transferred for their job sometimes people migrate due to normal natural climate. Why do children of the migrant people face problem in study? Their language is different. From the local language. They do not understand the language. Language spoken in school. Okay, बेटा, ये हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट. क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर. Okay, thank you. Have a nice day.